खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शिवसेना विधायकों का भी होटल बदलेगा, ये भी एक बड़ी खबर अभी अभी गणेश ने दी है, यानी ललित होटल से लेमन ट्री में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये एक ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तमाम जो विधायक हैं शिवसेना के हों, कांग्रेस के हों या फिर एनसीपी के, उन्हें होटल में रखा गया है ताकि पार्टी आलाकमान से लेकर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनकी नजरों के वो सामने रहे, किसी तरह की कोई टूट ना होने पाए। ऑपरेशन कमल की वजह से आप देखिए किस तरीके से भगदड़ की स्थिति नजर आ रही है। और अभी अभी जो बड़ी खबर आई वो ये कि अजीत पवार के साथ 27 विधायक देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। गणेश, क्या ये पता चल पा रहा है कि अजीत पवार अभी भी क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूद हैं? जिस बैठक की बात हो रही है उसके बारे में कुछ और पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश विधायक नहीं पहुंचे हैं इनके साथ, अजीत पवार अकेले हैं, जैसा मैं बताया संपर्क में है, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है कि ये 27 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, उनके संपर्क में हैं, भले ही वो अपने पार्टी के साथ अभी हों या उनके साथ रहने का दावा कर रहे हों, लेकिन जब समय आएगा तब ये हमारे साथ आएंगे और हमारी सरकार को समर्थन देंगे। अब अजीत पवार आगे की रणनीति तय करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के घर पे पहुंचे हैं और फडणवीस के साथ मिलने का ये भी एक मकसद है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है उसकी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अजीत पवार को भी पार्टी किया गया है तो वो मुख्यमंत्री से बात करके, और जो लीगल सेल है कुछ लॉयर्स वहां पहुंचे हैं उनके निवास स्थान पे, उनसे भी बात करके कल सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखा जाएगा, आगे क्या होगा, क्योंकि अब जो पूरी ये सरकार जो बनेगी अगर बीजेपी और अजीत पवार मिलकर बनाते हैं तो टेक्निकल टर्म्स पे बनेंगे और टेक्निकल टर्म पे ये खेला जाएगा, और ये जो जो महाराष्ट्र सरकार का जो पेच है वो जल्द सुलझेगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक है गणेश, वक्त नहीं है बिल्कुल, छोटे में एक लाइन में जरा ये साफ कर दीजिए, यानी खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस के घर जो अजीत पवार पहुंचे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 27 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है, ऐसा नहीं है कि वो 27 विधायक उनके साथ अभी हैं? जी समर्थन हासिल है ऐसा बीजेपी का कहना है और बीजेपी कह रही है कि हम बहुत जल्द इसके बारे में भी खुलासा करें। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस जानकारी के लिए, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें।